पहली बात तो जमात इस्लामी की जो स्टेट पॉलिसी है वो एकदम अलग पॉलिसी, टीआरएस को वो लोग ख्वाहिश के मुताबिक, उनके अपने दिलों के ख्वाहिश के मुताबिक पूरे स्टेट में टीआरएस को सपोर्ट किया। लेकिन तीन मकामात ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम होने के नाते सपोर्ट किया गया, मिसाल के तौर पे शब्बीर अली है, और फिर निज़ामाबाद में बहुत ज़बरदस्ती से हमदान जो है कांग्रेस के, और फिर राजा सिंह के खिलाफ जो वेलफेयर पार्टी के कैंडिडेट ठहरे हैं उनका सपोर्ट का ऐलान किया। तो ये डुअल पॉलिसी जमात इस्लामी ने की। तो एक जगह तो कहते हैं कि हम टीआरएस की गवर्नमेंट बहुत अच्छी गुजरी है और फिर मुसलमानों के लिए, फिर सेकुलरिज्म के लिए बहुत अच्छी गुजरी, उनका कहना ये है। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को स्टैब्लिश करने के लिए हम उनको सपोर्ट किए हैं। फिर एक जगह बोलते हैं कि वो हमारा सर्वे जो बता रहा है पूरे स्टेट में, वो 95% टीआरएस के लिए है। तो ड्यूअल पॉलिसी मतलब एक जगह कांग्रेस को दे रहे हैं, एक जगह वेलफेयर पार्टी को दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की बुनियाद पर। लेकिन जबकि करीमनगर के अंदर जमात इस्लामी का एक पुराना कारकुन, जमात इस्लामी से पुराना ताल्लुक, MPJ, SIO और फिर कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी और फिर आपके वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब में हमारा ताल्लुक था। पूरे खानदान के मेरे लोग, अब करीमनगर के अंदर 80% लोग मेरे अपने खानदान के लोग जमात इस्लामी में हैं, कई अहदों पर रहे थे, हम भी ऐसे हो के कई अहदों पर थे, उसके बावजूद भी ये लोग करीमनगर के अंदर वसीम अहमद को मुझको सपोर्ट नहीं करना एक बहुत बड़ा उनका अजीब और गरीब फैसला था। शायद मैं समझता हूँ कि करीमनगर के कुछ अपराध जो मेरे खिलाफ है या फिर मेरे अंदर कुछ महसूस करते होंगे, इख्तलाफ रखते होंगे, इसकी वजह से वो लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट का ऐलान नहीं किया। उसके बावजूद भी करीमनगर के तमाम अपराध खानदान, मतलब मेरे अपने खानदान के और फिर दूसरे खानदानों के लोग भी उससे कंट्रैक्ट कर रहे हैं। अरकान जमात की बात कर रहा हूँ, वो लोग बोल रहे हैं कि हम उसके कैरेक्टरलेस आदमी को हम वोट नहीं डालेंगे, हमको शर्म आ रही है क्योंकि यहाँ के MLA के ताल्लुक से जो TRS पार्टी का है उसके ताल्लुक से सबको मालूम है, लैंड के कब्जों के ताल्लुक से हो या फिर शराब नोशी के ताल्लुक से हो या फिर किसी भी उसके पर्सनल लाइफ के ताल्लुक से हो, फिर वक्त के लैंड को कब्जा किया हुआ है, ये सब के सबको मालूम है। उसके बावजूद भी वो लोग ये कह रहे हैं कि इसको वोट डालना गुनाह है, इसीलिए मुझसे कॉन्ट्रैक्ट में है। बहुत सारे लोग जमात इस्लामी के 90% मैं कहूँगा कि ये लोग वोट हमको डालेंगे।